जारोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक का सारांश। इसमें एक प्रमुख पात्र जो इस कहानी की हैं उनका नाम है सफिया। सफिया एक दिन एक ऐसी जगह पर जाती हैं जहां उन्हें एक दूसरी सिख महिला मिलती हैं जिनका पहरावा ओढ़ावा बिल्कुल उनकी माँ से मिलता जुलता है, तो वो इसे देखकर उनकी तरफ आकर्षित होती हैं, उन्हें बार बार देखती हैं। उन सिख महिला की नज़र भी जब इस बात पर सफिया की ओर मुड़ती है कि कोई उन्हें बार बार देख रहा है, तो वो अपनी बहू से पूछती हैं कि भाई वो कौन है। तब पता चलता है कि जो उन्हें बार बार देख रही हैं वो किसी मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हैं और कल लाहौर जाने वाली है। लाहौर का नाम सुनकर वो सिख महिला अपनी जगह से उठकर सफिया के पास आकर बैठ जाती हैं और फिर उनकी बातचीत होने लगती है, क्योंकि वे लाहौर की थीं और सफिया को दूसरे दिन लाहौर जाना था। तो लाहौर की बहुत सारी यादें जो उनके पास हैं, और भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के कारण वे लाहौर से भारत आ गई हैं, इसलिए अब लाहौर दोबारा जा नहीं सकती, लिहाजा वहाँ की चीज़ों को वहाँ की बातों को याद कर करके वे उन दिनों को फिर से अतीत में स्मरण करती हैं। और जब बातचीत खत्म होती है तब सफिया उनसे पूछती हैं कि मैं लाहौर जा रही हूँ, आपके लिए कोई तोहफा लाना हो तो बता दीजिए। सिख महिला ने कहा कि लाहौर से आप मेरे लिए थोड़ा सा नमक ले आना। अब हिंदुस्तान में कोई नमक की कमी तो है नहीं, पर हर व्यक्ति को उन जगहों से बहुत लगाव होता है जहां उसकी मातृभूमि होती है, जहां उसका जन्म होता है, जहां उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। सफिया ने वादा कर दिया कि वो जरूर नमक लेकर आएगी। सफिया दूसरे दिन लाहौर चली गई, वहां उन्होंने तफरी की, घूमी अपने भाई बंदों के साथ, भतीजों के साथ उन्होंने कुछ दिन बिताए, और जब वहाँ से चलने लगी तो उन्होंने उनके साथ बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार के तोहफे उन्हें जो दिए थे वो उन्होंने समेटना शुरू किया। और तभी उन्हें यह भी याद आया कि उन्हें भी किसी के लिए तोहफा लेकर जाना है। तब उन्होंने 1 किलो 2 किलो नमक की एक पुड़िया, एक पैकेट बनवाया और उसे भी साथ में रख लिया। सफिया का भाई पाकिस्तान में पुलिस का अधिकारी है। सफिया को लगा कि उसका भाई पुलिस में अफसर है, इसलिए अगर नमक ले जाने में कोई दिक्कत होगी तो वो उसे हल कर देगा। लेकिन भाई ने कहा कि नहीं, कस्टम वाले नमक नहीं ले जाने देंगे, और नमक तो वैसे हिंदुस्तान के हिस्से में बहुत सारा आया है, और यहाँ से नमक ले जाकर तुम क्या करोगी, और कानून भी कोई चीज़ होती है। इस तरह की बहुत सारी बातें भाई ने कही, और सफिया निराश हो गई कि भाई से तो कोई मदद मिलने वाली नहीं है। अब क्या करे, सुबह निकलना था, रात भर वो इसी सोच विचार में डूबी रही। फिर उसने उसको जो कीनू फल वहाँ से तोहफे में मिले थे टोकरी, उसके नीचे उसने नमक का पैकेट रख दिया, उसके ऊपर फल रख दिए कि वह फल के नीचे छुपा कर ले जाएगी। आधी रात तक वो इस कसमकश में रही कि उसे झूठ बोलना चाहिए, इस सत्य को छुपा लेना चाहिए कस्टम अधिकारियों से, कानून से, या उन्हें सच बता देना चाहिए। आखिरी में वह इस नतीजे पर पहुंची कि प्यार का तोहफा झूठ बोलकर ले जाना उचित नहीं है, लिहाजा वह तय करती है कि कस्टम अफसर को सब कुछ साफ साफ बता देगी। जब वो भारत वापस लौटने के लिए वहाँ पहुँचती है ट्रेन में, और कस्टम अधिकारी जो पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी है वो भी कभी दिल्ली में रहा करता था और अब विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया है, तो सफिया उसके सामने सबसे पहले पैकेट उठाकर सामने रख देती है और सब कुछ बता देती है कि इसमें नमक है और मैं इसे तोहफे के तौर पर किसी के लिए ले जा रही हूँ।
वह कस्टम अधिकारी कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है और कहता है कि मोहब्बत की चीजें इस तरह निकल जाती हैं कि कानून हैरान रह जाता है। अर्थात प्रेम के लिए कोई कानून का बंधन नहीं होता। वह उन्हें पैकेट दे देता है और कहता है कि दिल्ली जाएं तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। उसे भी दिल्ली याद आ रही है, उसे भी जामा मस्जिद याद आ रही है, क्योंकि वह यहां से उजड़ कर गया था। अब वहां से तो सफिया रवाना हो गई, अब हिंदुस्तान की बॉर्डर पर जब आती है तो उसे फिर दूसरा कस्टम अधिकारी मिलता है, और यहां का कस्टम अधिकारी ढाका का है। वह उसे भी सब कुछ साफ साफ बता देती है, तब वह उसे बुलाकर अपने साथ अपने दफ्तर में ले जाता है। सफिया अंदर से डरी हुई है कि न जाने अब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, पर वह एक पुलिस वाले से कहता है कि चाय लेकर आओ, और सफिया को चाय पिलाता है और फिर उसका पैकेट बैग में रखकर खुद बैग उठाकर आगे आगे चलता है और सफिया से कहता है आइए आप चलिए, और खुद ही वह बॉर्डर के बाहर जो रेलवे का पुल है उससे उतर करके नीचे खुद आगे जाकर खड़ा हो जाता है। और जब वो नीचे उतरती है सफिया तो उन्हें वो बैग पकड़ा देता है और कहता है कि कलकत्ते में भी ढाब होता है लेकिन हमारे ढाका का ढाब बहुत मीठा होता है, बहुत अद्भुत होता है। फिर वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रह जाता है। सफिया वहां से आगे बढ़ती हैं और सोचती हैं कि हमारा वतन कस्टम के इस तरफ है कि कस्टम के उस तरफ। पाकिस्तान का जो कस्टम अधिकारी है उसका वतन कस्टम के उस पार है कि कस्टम के इस पार। ढाका का जो ये तीसरा व्यक्ति है उसका कस्टम, उसका वतन इस तरफ है कि उस तरफ। अर्थात राजनीतिक कारणों से भौगोलिक सियासतें बदल जाती हैं, भौगोलिक रियासतें बदल जाती हैं, रेखाएं खिंच जाती हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में जो अपनापन अपनी जमीन को लेकर होता है, भूमि को लेकर होता है, वो कभी नहीं मिटता। इस कहानी में नमक केवल नमक नहीं है, वह हमारे जीवन की अनिवार्यता का वो हिस्सा है, वो स्वाद है जो हमें अपने वतन में मिलता है। तो ये थी रजिया सज्जाद जहीर जी की कहानी नमक का सारांश। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।